अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे भाई। छोटियाँ मोटियाँ खत्म हो गई, क्या कह रहे हो? हमने मुंह नहीं धोया। सही तो लग रहे हो, सही लग रहे हो। हमारी थोड़ी सी हालत तो हमारी क्लास थी, सॉरी मेरी क्लास थी, इनकी क्लास नहीं थी। देख रहे हो, ये तो मेरे स्प्रिंग पहन गया है वो। तो भाई ये जो है हमारा सामान आ चुका है, और इस सामान के पीछे की जो कहानी है वो आपका भाई बताएगा आपको थोड़ी देर बाद। सही है, अभी हम यही खड़े में सामान जमा कर रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि ये सामान क्यों आया है। सीन ये हुआ कि हमें जो है वो इतने सारे सामान के साथ जो है वो देखो बनी के साइड भी भरे हुए हैं, देख रहे हैं, जगह नहीं मिल रही थी। तो हमने ये फेरी की है, और फेरी से हम जो है वो अपनी ट्वेंटी की तरफ। सीन ये है कि जैसे कि हमने आपको वहाँ पे बताया था, सीन ये है कि आहिल भाई की नई कुर्सी आ गई, और दूसरा सीन ये है कि ये है हमारा रूम, समझ रहे हैं, जो कि आज हम अपना हॉस्टल कर रहे हैं रिवील। ये है हमारी आरामगाह, यहाँ नहीं दिखाना, चले बाद में दिखाते हैं, सरप्राइज है ये, ठीक है। तो भाई इसका सीन ये है कि ये जो है हमारा हॉस्टल है, और इसको हम क्या कर रहे हैं जरा बताना। और हॉस्टल में ये वाहिद रूम है जो बहुत बड़ा है, जो अच्छा है, लेकिन ऊपर जो अभी ये सारा सामान जो है हमने सेट करना है। कितना स्ट्रगल किया बताओ जरा भाई, इसके लिए तो हमने दो लाशें भी चाहिए, दो उसमें से दो मेंढक की थी और मेंढक की थी ना, ये उसकी थी मक्खी की। तो ये सीन है कि भाई हमने ये, खैर आप देख सकते हैं कितना मतलब साफ सुथरा, सारी चीजें सही हैं, लेकिन इसको हमने और भी लग्जरी करना है भाई, पता चले अपने तरीके से। ये हमारा चिन्ह जो हमारा वो लंबी दाढ़ी सेटिंग किया हुआ है, अब इसको हम अपने तरीके से सेटिंग करेंगे, इसको हम अपने तरीके से सेट करेंगे और वो सेटिंग हम आपको दिखाएंगे। तो ये है हमारा हॉस्टल, इसके साथ साथ हम आपको लॉबी भी दिखाएंगे हॉस्टल की, और अपना किचन भी दिखाएंगे, और बस हम आपको पहले नहीं दिखा रहे थे क्योंकि हमने सोचा यार पहले अपग्रेड कर लें उसके बाद दिखाते हैं। तो अब जो है हम गेम शुरू करते हैं। तो ये रूम का काम चल रहा है, वॉलपेपर लग रहा है। ये हमारे हसन भाई यहाँ घुसे हुए। हसन भाई क्या कर रहे हो, पकड़ लो सही से, खराब ना हो जाए, बबल्स ना आ जाए। और ये बनी भाई जो है यहाँ पे सही रगड़ाई का काम कर रहे हैं, ऊपर इन्होंने देख रहे हो आप, तो रुक जा, ये सारा काम हो रहा है अभी। अभी ये पहले इस पे पूरा लगेगा, नहीं अभी पहले वो लगाएंगे पूरा, और ये पाइप पता नहीं किस लिए, अगर कोई सिगरेट पीता है बच्चा तो ये उसके ऊपर पानी आ जाएगा। देखो सारा अभी पूरा रूम हमारा मैसी हुआ है। ये सारे बैग जो हमारे लगेज थे हमने ऊपर कर दिए, ये आराम से सेट होगा पूरा रूम, उसके बाद सेटिंग होगी इसकी। स्पीकर्स वगैरह बनी भाई साइड पे करवा रहे हैं, चलो हटा दो इसको, लाओ इधर कर दो। तो ये एहसन भाई थक गए, इन्होंने सीढ़ी पकड़ी हुई है जंगा लुदगी वाली, और बनी भाई ये भी वही काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल चिपकली की तरह चिपका हुआ है ऊपर। और एहसन भाई पकड़े थक गए सिगड़ी, सिगड़ी चलो तुम आगे बैठो, मैं पकड़ता हूँ। मैं सिगड़ी नहीं पकड़ता, मैं दूसरे काम कर रहा हूँ। ये रात के पौने एक बज गया है, अभी तक हमारा इतना काम हुआ है, और ये दोनों लगे हुए काम करते करते इनके कपड़े उतर गए, मगर काम नहीं खत्म हुआ, हार नहीं मान रहे हमारे बॉयज आज, काम भरपूर रहेगा। बनी भाई थके तो नहीं, चाय पिला दे छोटे, चाय पिला देगा छोटा, तुम टेंशन नहीं लो। जो ये पूरी दीवार, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये, और ये तो खैर ये कर, ये जो एक पीस है ये लोग लगा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला बनी ने लगाया, इतना सा इसमें मैंने हेल्प की है, ये बनी ने लगाया। ऐसा तो खैर वो तो बस पता है आप लोग को, कुछ नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, ये देखो कैसी तेजी से हमारा काम चल रहा है। तेजी से, इतना तेजी से कि 5 घंटे हो गए, आपको पूरा दिखा दूं, और ये हुआ है, ये देख सकते हैं हमारे हॉस्टल की हालत अभी क्या कर दी हमने। सब कचरा, फुल काम चल रहा है बनाने में भाई, कुछ कुछ सी लुक आ गई है, ये कटर है। और टाइम दिखाता हूँ मैं आपको, टाइम हो गया है 5:14, 12 घंटे हो गया मैं काम, 12 घंटे हो गए भाई। देखो नहाना था मैंने तो आयल का नहाना रह गया, चेक कर सकते हैं, मैं कोने पे खड़ा किया, मैं कारपेटों पे पैर रखवाए हुए, मैं तो यहीं सो जाऊंगा, मैंने 2 मिनट और मैं जो खड़ा करवा, मैंने खड़े के सो जाना है।
अच्छा में आएगी मजे की नींद। ओ यस कर आएगा जिंदगी तब आए इसने शूट पे जाना, इसने स्टूडेंट को रिसीव करने जाना है और मैं सोऊंगा भरपूर सोने में। बाद भी रात से दिन कर दिया अभी तक जो है हॉस्टल जो है वो अपना माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो अच्छा है ना, दोनों बंदे लेटेंगे हालत तो यही हुई है सबकी। मैं भी यही सोऊंगा। खास चीते की खाल है और चीता जो है वो मैं हूँ। इसी की खाल है हमारी सबकी उधर गई है तो उधर सबकी गई। और सामान अच्छा अभी हमारा ना अच्छा खासा बाहर भी रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये पूरा वो चेयर है। क्या करने वाले इनको बता दो सही। अब हम करने वाले हैं वाइंड अप और अभी हम वाइंड अप कर रहे हैं आज का, क्योंकि हमारे पास जो स्टफ था हमें नहीं पता था भाई, पहली दफा हम लोगों ने ये काम काज में इतना बुरा हाथ डाला है, कारपेट वारपेट वगैरह हमारे 10 घंटे से आए किए तो ये सीन है कि हम इसको यहीं पे रोकते हैं क्योंकि अब हमारे पास स्टफ जो है खत्म हो गया। शाम में स्टफ लेके आएंगे उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। सोरम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा सीन ये है कि भाई सुबह हमारी हो गई थी और सुबह होने के बाद ये हुआ कि आज हमारी एक नई स्टूडेंट भी आ रही है जो कि जिस आहिल भाई ने बुलाया है, तो आहिल भाई के घर वाले देख लें कि कौन सी स्टूडेंट है क्या है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। एजेंट ने दिया यार, एजेंट ने कहा इसको रिसीव कर लो। झूठ कह रहा है, एक नंबर का झूठा है। इसने लड़की बुलाई है जो आ गई है, अब आप लोग काइंडली देख लीजिएगा। सही है, हमने रात में कमरे का काम खत्म किया था कि मैंने भी कभी नहीं देखा, तो झूठ मत बोलो। तो रात में हमने अपने कमरे का काम खत्म कर लिया था, फिर हम सो गए थे, अभी हमें जाना था सुबह 7 बजे। नमाज वगैरह पढ़ के जल्दी जल्दी जो है अपने काम वाम किए और अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए आहिल भाई की जो दोस्त है उसको लेने तो अब देख ले भाई, अब देख लिएगा आहिल T2। ये हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, इसको रिसीव करने के बाद इसका थोड़ा सा सामान वगैरह ऐसे ही है जो भी इसको बैटिंग वगैरह चाहिए होगी, जो भी चीजें चाहिए होंगी। छोड़ो, आज हम अपना बहुत थके हुए हैं तो फिर ताला। तो हम पहुंच गए, फिर हम बाकी की जो डिटेल्स है वो आपको बताएंगे। तो भाई हम पहुंच गए एयरपोर्ट और सीन ये है कि जो आहिल भाई की बंदी थी वो आ गई, वो ये रही और ये आहिल भाई उसका सामान उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम तो भाई एज यूजुअल सख्त लौंडे चौड़े और हम तो कुछ नहीं करेंगे, और आहिल भाई जो है बैग बना रहे हैं उठा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम जाएंगे इधर अपने स्कूल की तरफ, फिर सीन देखेंगे। तो यहाँ से फिर सफ़र हुआ हमारा शुरू यूनिवर्सिटी की जानिब। तो मंज़र आप देख रहे हैं भाई, कितना पुरसकून, क्या लम्हात, कैसा मंज़र। ये कोई इस्लामाबाद नहीं है मेरे भाई, ये इस्लामाबाद से कुछ ऊपर की चीज़ है। जो है वो ऑलमोस्ट जो है स्कूल पहुंच गए सामान देख के। ये आहिल को आप देख सकते हैं भाई, इसके चक्कर में एक बैग हमने भी पकड़ लिया और ये सीन है। बस क्या कह सकते हैं, सख्त लौंडे ने भी बैग पकड़ ही लिया, क्या कर सकते हैं यार, मुश्किल में देख नहीं सकते किसी को। तो ये आहिल भाई तुम इतना लेट देख रहे हो, मैं शुरू से देख रहा हूँ मुश्किल वक्त में। हाँ ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छा सारी लड़कियों के साथ ही मुश्किल वक्त अच्छे गुजरते हैं तुम्हारे, ये भी है। चलो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई सीन ये है कि हम जो हैं साथ साथ अपनी डोमेट्री के जो हम अपना रूम बना रहे हैं उसके साथ साथ हम आपको जो है अपना हॉस्टल भी दिखाते हैं,
अब ये जो है ये हमारा हॉस्टल है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बाकी तो डोमेट्रीज बहुत हैं, ये देख रहे होंगे आप स्टूडेंट अपार्टमेंट और नंबर लिखा हुआ है। यहाँ सारे चाइनीज़ रहते हैं और ये हमारा जो है वो अंदर जाने का रास्ता है, तो हमने कहा साथ साथ आपको ये भी दिखाते हैं। और ये देखें आप, ऐसे ही लगाया मैं मतलब मजाक में, यहाँ हमारा शिफू बैठता है जो कि रखवाली करता है कि बच्चे कहीं जा तो नहीं रहे। नहीं हाँ शिफू, और ये हम आ गए अंदर, ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं। और ये एक पाकिस्तानी भाई जो हैं वो आ रहे हैं, ये अभी आए हैं 2 दिन पहले, तो इनके साथ भी हम बनाएंगे व्लॉग अभी। ज़रा बनी भाई एडिट करना है भाई, तो बहुत जलील होने के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। इन लोगों ने बहुत मुझे जो है वो कहा कि भाई बना लो। अच्छा ये जो है वो किचन है हमारा, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि जब हम जो है आपको हॉस्टल टूर दे रहे हैं तो साथ साथ जो है वो यहाँ की ज़िंदगी भी दिखाते हैं। ये किचन है भाई, यहाँ खाना वाना बनाते हैं। ये लॉक लगे हुए, ये हमारा, ये बनी भाई का वो सामान रखा हुआ, ये फ्रिज है, ये डस्टबिन है जिसको नहीं पता, ये बनी भाई है। और ये इस तरीके से जो है वो रूम तो दिखाओ, दिखाते हैं ना रूम की तरफ भी आते हैं एक दफ़ा, ये दिखा दूँ। ये सारी लॉबी है, यहाँ सबके रूम्स हैं, देख लें आप, ये मीटर होता है, इस पर कार्ड वार्ड लगते हैं। तभी हम आपको नॉर्मल रूम दिखा रहे हैं, मतलब नॉर्मल से मुराद जो यूनिवर्सिटी के रूम होते हैं। लाइट खोलना ज़रा, यहाँ के जो हमें ये है भाई, यहाँ चार बेचारे स्टूडेंट आते हैं अपने घर वाले को छोड़ के, एक इधर आता है, एक इधर आता है, एक इधर आता है और एक इधर आता है, फिर उसको जो है इनाम में एक ये मिलती है, या ब्रो उसको इनाम में जो है वो ये मिलती है जिसमें वो अपना सामान वगैरह रखता है। ये 3 ड्रॉज मिलती हैं, ये उसको मिलता है और ये भी मिल जाता है जो इस रूम में आएगा, जो पहले आया उसको मिल जाए। अब हम आपको दिखाते हैं साथ साथ अपना सामान, जो भी मामला वगैरह होंगे वो तो दिखाते हैं। ये हमारा जो है ऊपर का थोड़ा सा, ये देख लें आप। अब हम आपको लेके चलते हैं, देख लें आप हीरो, ये वॉशरूम है, वॉशरूम तो भाई ऐसे ही होता है। अब वॉशरूम तो नहीं दिखा सकता ना मैं आपको यार, अब ये तो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा मज़े के बाद शावर दिखा, अब हम आपको जो है शावर दिखा सकते हैं, ये देखें आप लगेगा बाथरूम यहाँ पे बैठ के ना हो खड़े होके ना ऐसा है। अच्छा जब हम फर्स्ट टाइम आए ना तो हमने पर्दे देखे, हमने कहा अभी भाई ये कैसे नहाएंगे, ऐसे नहाना है यहाँ पे जानू, ऐसे नहाना है, अब आप चाइना में बस ये आपका वॉशरूम तैयार ऐसे नहाना है आपने। तो अब हम चलते हैं अपने कमरे की जानिब, तो भाई साथ साथ अभी हम चल ही रहे थे फ्लोर पे। तो अब जो है हम पहुँचे हैं बनी भाई के दरबार में, बनी भाई के दरबार का नंबर है जो आना चाहे 9210। और बनी भाई लाइट वाइट है आपके कमरे में, कोई पानी शानी कुछ पिलाएंगे कुछ खिलाएंगे आप? बैठो, बैठते हैं भाई और ये देख लें आप, ये है बनी भाई का दरबार जहाँ बनी भाई काम करते हैं, देख लें कराची वाले सामान भी रखा हुआ है, ये देखें आप। और ये जो है बनी भाई तशरीफ़ फरमाते हैं, ऊपर जो है उनसे चढ़ा नहीं जाता तो इन्होंने कहा हम जो है वो नीचे अपना बिस्तर बना लेते हैं। और ये देखें कितने प्यारे इन्होंने वो किया हुआ है, लाइटें वाइटें देखें आप इस तरीके से, लाइटें बंद करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखें गेट भी बंद करो, ये देखें आप, यहाँ से आते आते ये आपने रास्ता देखा, ये पूरा जो है आखिरी रूम जो है वो हमारा है। अब इसमें जो है दिखाते हैं आपको ये देखें बहू लेटी हुई है, और ये जो है ये आप देख सकते हैं ये हमारा कमरा है, ये भी हम तीनों का है और वो भी हम तीनों का है। और ये बनी भाई वो अपना आहिल भाई जो है वो अपनी सही स्टडी कर रहे हैं, आप देखें यार पढ़ के आगे बैठो। अच्छा अच्छा ठीक है, आपसे मैं बाद में बात करूँगा। तो ये है हमारी जो है ये हमारा दरबार है, आप देख सकते हैं ये भी मंगवाया मैंने, इसमें आहिल भाई के जो है कपड़े आएंगे, वो चप्पलें कितने रख दिए आहिल के, तो कपड़े रखने थे मैंने ये भी बताओ इसकी अनबॉक्सिंग होनी है। हाँ ये है अभी एक बैग है और ये डिस्पेंसर है, और ये आहिल भाई जो है ये खरीद के बड़ी मेहनत से जो है वो हकराल के पैसों से जो है वो खरीद के जो है ये खिलौने लाए। ये मियाँ बीवी हैं, आहिल भाई को किसी ने दिया था कि जब तुम मुझसे दूर जाओ तो ये रखना,
ताकि तुम मुझे याद करते रहो। ये आप देख रहे हैं चाइना का झंडा, ये गेम है भाई। तो ये सीन है कि साथ साथ जो है वो ये एक अदद फ्रिज हमने अपनी अय्याशी के लिए रखा हुआ है जो बिल्कुल खाली है, और यहाँ जो है ये फ्रूट्स हैं, बनी भाई का शेक रखा हुआ है, क्रीम रखी हुई है, खीरा रखा हुआ है, पाकिस्तानी अचार है, दूध है, और ये हमारा जो है नाइट व्यू दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ये देखें फुल शशके भाई, फुल शशके। ये हमारा जो है वो समझा, ये घर है हमारा। तो ये गेम है यहाँ का भाई, ये हॉस्टल है। मैंने कहा टूर दे देते हैं आप लोगों को भाई, लैपटॉप शैपटॉप रखे हैं बड़े VIP इस तरीके से। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस व्लॉग को बनाने में बहुत गालियां मुझे पड़ चुकी हैं अपने दोस्तों से, और इसी के साथ साथ फिर मेरी गैरत जागी, मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा। तो मैं उठा आज, मैंने कहा चल यार व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो ये सीन है बाकी है। मुझे लगा शायद ग्रेजुएशन के दिन ही होना है यहाँ पे, यहाँ से जाएगा व्लॉग। तो अब जो है वो हमें, अब हम उठ चुके हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब जो है अब आपको जो है कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा देखने के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में।